हेलो, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे वॉल लोड कैलकुलेट करना है। जैसे कि अगर हम लोग आर्किटेक्चर प्लान में जाएं, तो हमने इधर बीम तो दिया है, बट इसके ऊपर वॉल भी होगा जो रेड ब्रिक का बना होगा। उसी तरह से यहाँ पे पार्टीशन वॉल होगा, और बस इसमें डिफरेंस ये है कि ये जो आउटर एज पे जो भी वॉल है उसका थिकनेस 230 mm है, और जो इनर वॉल है पार्टीशन वॉल वो 125 mm का है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम लोगों को इसका लोड इंटेंसिटी निकालना होगा कि क्या बीम पे आएगा। तो कैलकुलेट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोगों को ये देखना होगा कि हम लोग का फ्लोर टू फ्लोर हाइट क्या है। जैसे कि एक फ्लोर, जैसे हमारा फ्लोर टू फ्लोर, एक फ्लोर से एक फ्लोर पे हाइट हम लोगों का जो आर्किटेक्ट की तरफ से बोला गया है वो है 3.2 मीटर का। फिर दूसरा जो फ्लोर होगा ये फिर 3.2 मीटर का, मीन्स हमारा फ्लोर टू फ्लोर हाइट 3.2 मीटर है। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम लोग, हमारा थिकनेस क्या है, वॉल का थिकनेस, थिकनेस ऑफ वॉल ये है हमारा 230 mm। अगर हम लोग यहाँ पे ईटब्स में, सॉरी कैड फाइल में देखेंगे तो हमारा वॉल का थिकनेस 230 mm है, और जो इनर वॉल थिकनेस है ये 125 mm। ठीक है, तो हम लोग उस हिसाब से लोड कैलकुलेट करना होगा 230 mm। और यहाँ जो हम लोग का बीम है, ये जो यहाँ पे क्या होगा कि फ्लोर टू फ्लोर हाइट जो 3.2, उसमें हमारा यहाँ बीम का डेप्थ, यहाँ पे बीम होगा, है ना। उसी तरह से यहाँ पे भी बीम होगा। तो हम लोगों को ये बीम का डेप्थ को माइनस करना पड़ेगा, जो कि हमने 350 mm लिया है। तो बीम का डेप्थ हमारा, बीम जो है 350 mm है ना, तो इसे हम लोग को माइनस करना पड़ेगा। तो हाइट अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 3.2 मीटर हमारा फ्लोर टू फ्लोर हाइट माइनस 0.35, तो ये कितना हमारा आ जाएगा, 2.85 मीटर हो गया। इसके बाद हमारा यूनिट वेट हमारा रेड ब्रिक हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो अगर हम लोग कोड में देखेंगे, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं अगर चाहें तो, उसका 1.8 टन पर मीटर क्यूब ये जो है यूनिट वेट होता है रेड ब्रिक का। ठीक है, रेड क्ले ब्रिक जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसको हम लोग अगर जब कैलकुलेट करेंगे लोड, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0.23 थिकनेस ऑफ वॉल इनटू हाइट 2.85, ठीक है, इनटू जो यूनिट वेट है 1.8, तो ये हमारा निकल के आएगा 1.18 टन पर मीटर। ये हमारा हो गया इस वॉल का लोड जो 230 mm थिकनेस है। अभी इसमें और क्या है कि जैसे कि हम लोग ये प्लान देखेंगे, तो इसमें बहुत जगह पे क्या होता है, ये विंडोज़ होता है, वॉल होता है ना, ऑलमोस्ट लगभग सभी जगह पे हम लोगों को विंडो दिख रहा है। तो ये ओपनिंग के कारण क्या होगा कि वॉल का लोड कम होगा, तो इसको हम लोगों को कम करना होगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं डोर भी है और विंडो भी है, तो हम लोग ये पूरे वॉल का 50% ले लेंगे, जो भी लोड होगा 50% ले लेंगे। इस पार्ट में हम लोग सिर्फ विंडो है तो 70% लेकर चलेंगे, यहाँ पर भी 70% ले सकते हैं, यहाँ भी 70%, उसी तरह से यहाँ 50%। तो हम लोग को दो तीन वेरिएशन में हम लोग को लोड को कैलकुलेट करके रखना चाहिए। तो जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि जो ये तो 100% हमारा लोड हो गया, ये जो है हमारा
अगर कंप्लीट वॉल होगा 100% तो ये लोड हम लोग देंगे, बट क्या होगा कि 80% है कहीं पे हमारा, क्या है 80% सॉलिड वॉल, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, 80% 1.18 का हम लोगों को निकालना पड़ेगा 80%, तो ये हमारा 0.944 टन पर मीटर आ जाएगा। उसी तरह से हम लोग 70% निकाल कर रखेंगे, ठीक है। 70% का क्या होगा, 70% हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 0.826 टन पर मीटर, और 50% आप कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या होगा, 0.59 निकल के आएगा। तो हम लोग ये तीन वेरिएशन हमारे पास आ गया 230 mm वॉल के लिए। तो हम लोग जैसे देखेंगे प्लान के हिसाब से हम लोग वो ईटेप्स में असाइन कर देंगे, कहीं पे 70%, कहीं 50%, कहीं पे अगर फुल वॉल है तो 100%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये था हमारा पहला जो कि 230 mm वॉल के लिए था। बट जैसा मैंने कहा पार्टीशन वॉल हमारा क्या है 125 mm का, तो हम लोगों को 125 mm के लिए भी कैलकुलेट करना होगा 125। दूसरा जो हमारा होगा वॉल थिकनेस जो हो जाएगा हमारा 125 mm, हाइट जो हमारा होगा वो सेम जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया है 2.85, हाइट 2.85 मीटर, और एक यूनिट वेट बचा, यूनिट वेट, ठीक है। तो ये अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को, तीनों मल्टीप्लाई करेंगे इसको मीटर में कन्वर्ट करने के बाद हमारा आ जाएगा 0.64 टन पर मीटर, ठीक है। ये 100% अगर सॉलिड वॉल होगा 125 mm तो हमारा ये हो जाएगा। दूसरा मैं यहाँ पे दोबारा ये चीज़ नहीं लिखा हूँ, आप ये देख सकते हैं थिकनेस ऑफ वॉल में लिखा हूँ, यहाँ हाइट लिखा हूँ, यहाँ यूनिट वेट लिखा हूँ, उसके बाद तीनों का मल्टीप्लिकेशन से हम लोगों को लोड इंटेंसिटी आ जाएगा। तो फिर हम लोग इसका भी एक 70% का निकाल लेते हैं सॉलिड वॉल का, ठीक है। तो 70% अगर हम लोग इसका निकालेंगे 0.64 × 0.7 तो 0.448 टन पर मीटर, ठीक है। 50% का अगर हम लोग कर लें तो 0.32 टन पर मीटर, ठीक है, ये आ गया। अब क्या है, ये हमारा दोनों वाल का हो गया। इसके अलावा क्या होगा, पैरापेट वाल जो छत के ऊपर होगा जिसका 1.5 मीटर हाइट होगा, और बालकनी में भी अगर चाहें तो हम लोग इस हाइट का वॉल प्रोवाइड कर सकते हैं रेलिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पैरापेट वॉल या फिर अभी मैं रेलिंग के लिए, अगर रेलिंग आपको दूसरा यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए ग्लास का यूज़ कर रहे हैं या फिर स्टील का रेलिंग यूज़ कर रहे हैं, तो आप यूनिट वेट चेंज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं अभी के लिए 230 mm थिकनेस वॉल और हाइट जो है 1.5 मीटर ले लूँगा रेलिंग का, और रेड क्ले ब्रिक ही यूज़ करूँगा। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो 0.621 टन पर मीटर आ जाएगा। तो ये हमारा तीन टाइप का हो गया, पहला 230 mm थिक वॉल का जो लोड होगा ये होगा 100% के केस में, 80% 70% और 50% सॉलिड होगा तो, ठीक है। मींस 70% मतलब 30% हम लोग का ओपनिंग है विंडोज़ या फिर डोर जो भी है उसके कारण। अब ये दूसरा 125 mm के लिए और ये पैरापेट या रेलिंग के लिए। तो इस तरह से हम लोग लोड कैलकुलेट करते हैं वॉल का। अगर कुछ अलग तरह का वॉल है, मान लीजिए ग्लास है या स्टील का रेलिंग है, तो आप उसका जस्ट यूनिट वेट को हम लोग चेंज कर लेंगे और हाइट जो भी होगा हम लोग करके कैलकुलेट कर सकते हैं अलग अलग टाइप के वॉल के लिए। थिकनेस अगर किसी आप दूसरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें वॉल का थिकनेस अलग है तो थिकनेस यहाँ चेंज हो जाएगा, आपका हाइट अगर अलग है तो हाइट चेंज हो जाएगा। आप अगर क्ले ना यूज़ करके AAC ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं जिसका यूनिट वेट 0.8 टन पर मीटर हम लोग लेकर चलते हैं, आप इसको यूज कर लेंगे, बाकी कैलकुलेशन इसी तरह से होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग ईटेप्स में इस लोड को असाइन करना देखेंगे।